विश्व में हर साल 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और कैंसर के जिस प्रकार से भी प्रकार है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, साथ साथ में जो गुटखा और तंबाकू जैसे पदार्थ के सेवन के साथ साथ मुंह का कैंसर भी हो सकता है। आजकल जिस प्रकार से खान पान की चीज़ें हैं और जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कैंसर के टाइप्स भी जो अलग अलग प्रकार के निकल के आए हैं। इस वर्ल्ड कैंसर डे पे हम आज बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से डॉक्टर शेफाली देसाई, जो कि ब्रेस्ट सर्जन है। मैडम, सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स पर जाना चाहूँगा कि अगर भारत की बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का क्या स्टैटिस्टिक्स है, गुजरात के बारे में भी हो तो थोड़ा बताइएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली देसाई। भारत में आजकल ब्रेस्ट कैंसर खूब बढ़ रहे हैं, ऐसा इंडियन कैंसर रजिस्ट्री बताती है कि 1.5 से 2 लाख केसेस हर साल ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। और गुजरात में भी हर साल ऑलमोस्ट अबाउट 10,000 और से ज़्यादा केसेस होते हैं। मैडम, जिस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस के बारे में आपने बताया, तो किस उम्र की आयु में अगर बात की जाए तो ये कैंसर होता है, और मैक्सिमम कौन सी उम्र तक अगर बात की जाए तो इस कैंसर का निदान कर लेना चाहिए, किस किस प्रकार के स्टेज होते हैं और इसका निवारण जो है, निदान जो है, वो किस प्रकार से किया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर हर एक उम्र में हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20। पहले ऐसा होता था कि लेट एज में होता था, पर अभी वो 30-40 ईयर्स में भी होता है, और लेट 20s में भी हम काफ़ी सारी महिलाओं को देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। यंग गर्ल्स को ऐसा होता ही नहीं है, खास करके जो लोग फीडिंग करते हैं, ऐसा होता है कि वो दूध की गांठ होगी, कैंसर हो ही नहीं सकता है, इसलिए उनका निदान थोड़ा लेट होता है और वो उस टाइम पे काफ़ी फैला हुआ होता है। इसलिए हम एडवाइस ये करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20 वो स्व तपास, अपने आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन चालू हो जाना चाहिए हर महीने, और वो चलना चाहिए टिल यू लिव। द वुमन कैन गेट कैंसर इवन 70-80 ईयर्स तक, कैंसर 90 ईयर्स के अबव भी कैंसर हो सकता है। तो वो हर एक साल वो चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर से, हर एक साल आफ्टर द एज ऑफ 40 मैमोग्राफी और सोनोग्राफी करवाना ज़रूरी है। और अगर आपने जो सवाल पूछा स्टेज का, तो उसमें कोई भी कैंसर में स्टेजेस 1-4 होते हैं, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर में भी होता है। जो सिंप्लीफाइड भाषा में मैं अगर बताऊँ तो स्टेज 1 होता है वो थोड़ा अर्ली, मतलब जल्दी का कैंसर होता है जो ब्रेस्ट में ही सीमित होता है। स्टेज 2 होता है वो कैंसर तो बगल में या आर्मपिट में फैला हुआ होता है, जो एक्सिलरी नोड्स बोलते हैं उसमें। स्टेज 3 में गांठ थोड़ी बड़ी होती है, उसको लोकली एडवांस्ड बोलते हैं। और स्टेज 4 होता है वो और सब जगह लिवर, ओवरीज, ब्रेन, बोन्स में भी फैला हुआ होता है, उसको स्टेज 4 बोलते हैं, वो काफ़ी एडवांस स्टेज होता है। मैडम, जिस तरीके से आपने बताया जो 4 स्टेजेस है, तो भारत की बात की जाए किस किस प्रकार की सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, और किस स्टेज में ऑपरेशन या ऐसा कुछ हो जाना चाहिए ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकते हैं? आइडियली स्टेज 1 और 2 में कैंसर को हम डायग्नोस करते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ डायग्नोसिस, तो उसमें सर्जरी हम कर सकते हैं। कैंसर में 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है सर्जरी, दूसरा होता है कीमोथेरेपी, एंड थर्ड इज द रेडिएशन थेरेपी। फर्स्ट, अगर सर्जरी हो सकती है, मतलब ऑपरेबल हम बोलते हैं, क्योंकि अगर गांठ छोटी होती है तो ही हम उसको कम्प्लीटली निकाल सकते हैं, तो उस स्टेज में अगर ऑपरेशन करते हैं तो वो क्योरेबल होता है। उससे एडवांस होता है स्टेज 3, पर और कहीं भी फैला हुआ नहीं होता है, जिसको हम लोकली एडवांस बोलते हैं। उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं कि उसमें हम कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी दे के उसको हम डाउन स्टेज करते हैं, मतलब गांठ को छोटी कर सकते हैं। तो वो स्टेज 3 से हम स्टेज 2 या 1 में पहुंचा देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं और फिर रेडिएशन देते हैं। और स्टेज 4 अगर होता है तो उसमें सर्जरी नहीं होती है, क्योंकि वो सब जगह फैला हुआ होता है, तो उसमें हम पेलिएटिव थेरेपी, मतलब पेशेंट को कम्फर्ट लेवल देते हैं कि कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी, उसमें भी काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं, तो उससे पेशेंट की लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल रहती है, पर वो क्योर नहीं होता है। और एडवांसमेंट सर्जरी में काफ़ी हुए हैं कि उसमें हम ब्रेस्ट को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, मतलब पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर हम
गांठ को बहुत अर्ली स्टेज में उसका निदान कर सके तो। मैडम जिस तरीके से आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कहा कि जो वुमेन से उसके साथ साथ जो मैन से उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर की जो है पॉसिबिलिटी है, तो उसमें किस प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी। मेल ब्रेस्ट कैंसर्स ऑल्सो कैन हैपन, मतलब जो पूरे फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं कि बहुत होता है, बहुत इंसिडेंस है, तो पूरे जो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उसमें से 1% इंसिडेंस इज ऑफ मेल कैंसर्स ऑल्सो, और उनमें काफ़ी बार निदान लेट से होता है क्योंकि मेल्स में ऐसा ही सोच होती है कि उनको ब्रेस्ट टिश्यू नहीं है इसलिए ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है, पर अगर इसीलिए वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसमें लेट डायग्नोसिस होता है, और कारण तो सेम जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस कारण मेल ब्रेस्ट कैंसर के भी वही होते हैं, पर उसकी ट्रीटमेंट भी जैसे फीमेल में होती है सेम तरह की होती है, पर बिकॉज इट गेट्स मोर एडवांस्ड उसको हम स्टेज करके फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन, इस बार जो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है, तो कैंसर की बीमारी ज़्यादातर बढ़ती जा रही है, आप क्या कहेंगे, क्या वजह है और क्या संदेश देना चाहेंगे? दिन ब दिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, उसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, पर जैसे हम देखते हैं कि यंग गर्ल्स में ज़्यादा होता है, प्रॉबेबली हार्मोनल चेंजेस, प्रॉबली लाइफस्टाइल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, जो फूड में एडल्ट्रेशन होता है वो भी होता है, काफ़ी सारे हॉर्मोन्स के इनटेक होते हैं, यंग गर्ल्स को ऐसा होता है कि बच्चा नहीं चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चलती है क्योंकि लेट मैरिजेस होते हैं तो बच्चे भी लेट करने से काफ़ी बार वो प्रॉब्लम होता है, तो जिस सब में हॉर्मोन्स आप बॉडी में लेते हो तो उस कारण इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है ऐसा लग रहा है। तो जिस तरीके से ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर शेफाली देसाई ने हमारे साथ बात की, उन्होंने बताया कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको अगर इनिशियल स्टेज पे अगर हम उसको पकड़ ले तो उसको इजीली क्योर कर लिया जाता है, और उसके साथ साथ भारत में भी अब कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप ब्रेस्ट कैंसर को बिल्कुल पहले तरीके से आप उसको बात की जाए तो क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसको एडवांस स्टेज में पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आशीष पंचाल, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। सतत 24 कलाक समाचार जो आ माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत एप।